अच्छा देखिए मैं समझता हूँ, मैं जहां तक मैं सुनता हूँ कि यंग प्लेयर को खिलाना चाहिए। जब आपका यंग प्लेयर है, अंडर 19 प्लेयर है, उनमें क्या एकदम एक जज्बा रहता, क्योंकि वो फर्स्ट मैच कर रहा है, उनको प्रूव करना रहता। तो मैं समझता हूँ कि जो वसीम ने जो कह रहा था कि मेरे ख्याल में यंग प्लेयर को बिल्कुल जरूर मौका देना चाहिए, क्योंकि देखिए T20 गेम है यंग प्लेयर का। यंग जब तक आप यंग टैलेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे या उनको खिलाएंगे, पता नहीं चलेगा कि वो इस लेवल पे खेल सकते हैं। कहते हैं अंडर 19 खेलना और T20 लीग खेलना और उसके और इंडिया को खेलना काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जब तक आप उनको खिलाएंगे नहीं, जब तक आप खिलाएंगे नहीं और अच्छा मौका नहीं देंगे एक दो तीन मैचेस, तो वहाँ पे फिर बहुत मुश्किल होगा। मैं ऑलवेज चाहता हूँ कि यंग प्लेयर्स को खिलाना चाहिए। अगर आपको इधर सरप्राइज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो जाएगा, बिकॉज इन लोगों को उनको ज़्यादा कोई देखे नहीं होंगे, कोई भी यंग प्लेयर है तो मेरे ख्याल में जब वो खेलेंगे तो एकदम किसको पता नहीं होगा कि कौन सी तरह कि किस तरह बोलिंग करें। आज तो क्योंकि आप देखें हमें वीडियो एनालिस्ट है, हर चीज़ है, तो आपको पता होता है कि कौन सा बैट्समैन के स्ट्रेंथ क्या है, बॉलर की स्ट्रेंथ क्या है। तो उससे मैं समझता हूँ, मैं जहाँ तक के मैं सोचता हूँ कि यंग प्लेयर को खिलाना चाहिए।